हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम पर फुल डीपी कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंस्टाग्राम पर अपने किसी भी इमेज को डीपी के रूप में सेट करने जाते होंगे, तो वहां पर आपका जो इमेज है उसका या तो ऊपर का साइड या तो नीचे का साइड जो है आधा से ज़्यादा कट हो जाता होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने इमेज का फुल साइज जो है इंस्टाग्राम के डीपी के रूप में कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना गैलरी जो है उसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो फोटो आपको इंस्टाग्राम के डीपी के रूप में सेट करना है, सिंपली उस वाले फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मान लीजिए मुझे ये वाला फोटो जो है इसको सेट करना है इंस्टाग्राम डीपी के रूप में, वो पूरा फुल साइज। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली यहाँ से कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद आपको ऐप मेनू ओपन करना है, और ऐप मेनू ओपन करने के बाद आपको अपने फोन में यहाँ पर फुटेज नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऐप आपके फोन के साथ ही इंस्टॉल मिलता है। अगर आपके फोन में ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो आप सिंपली करना कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर सर्च करना है गूगल फुटेज। उसके बाद ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अपडेट मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें आपका जो भी इमेज है जो आप अपने इंस्टाग्राम पर डीपी के रूप में सेट करना चाहते हैं, जिस भी फोल्डर में वो वाला इमेज है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे इस वाले इमेज को जो है इंस्टाग्राम डीपी के रूप में सेट करना है, तो सिंपली इस वाले इमेज को ओपन करना है यहाँ पर। एंड ओपन करने के बाद देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। एंड स्क्रॉल करने के बाद ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप जैसे इसमें आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रोटेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस रोटेट वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो यहाँ से रोटेट हो जाएगा। एंड रोटेट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे के साइड में यहाँ पर सेव कॉपी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली करना क्या है, ये जो ब्लू वाला सेव कॉपी दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है आपके फोन में सेव हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद आपको सिंपली इस ऐप को यहाँ से कट कर देना है। एंड इसके बाद आपको करना कि आपका जो गैलरी है उसको यहाँ से ओपन करना है। एंड जैसे गैलरी ओपन हो जाएगी तो आपको करना क्या है, आपके यहाँ पर जो एल्बम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर एक एल्बम देखने को मिल जाएगा, ऑल फुटेज। तो आपको सिंपली इस वाले पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो शॉर्ट स्क्रीन लिया था वो पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है, जो आपने शॉर्ट स्क्रीन लिया था। इसको ओपन करने के बाद यदि मैं यहाँ पर एक बार टाइप करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार टाइप करना है, इसके बाद आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ से ब्लैक हो जाएगी और कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है। तो मैं यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लिया है। आपको भी एक शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको इसको कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको फिर से एक बार इंस्टाग्राम जो है उसको ओपन करना है। और इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको नीचे के साइड में आपका जो यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है आपको सिंपली यहाँ पर आना है। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको जो ऊपर के साइड में एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एडिट प्रोफाइल। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका प्रोफाइल आपने लगाया है सिंपली उस पर क्लिक करना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइड में यहाँ पर न्यू प्रोफाइल पिक्चर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पहले नंबर पर, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला इमेज है जिसको आपने शॉर्ट स्क्रीन लिया था वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अगर वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होता तो सिंपली आपने जो शॉर्ट स्क्रीन लिया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो ऊपर के साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो आपने शॉर्ट स्क्रीन लिया था वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको नीचे के साइड में एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सिंपली इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एग्जेस्ट का पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्जेस्ट, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है।
एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो यहाँ से रोटेट हो जाएगा। तो सिंपली फिर से यहाँ पर रोटेट करना है एंड फिर से एक बार रोटेट करना है। इसके बाद आपका जो फोटो है वो यहाँ से एक्चुअल साइज में आ जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद आपको करना क्या, नीचे के साइड में आना है एंड नीचे के साइड में आने के बाद आपको यहाँ पर जो डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर के साइड में जाना है, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग लेगा, इसके बाद आपका जो इमेज है वो फुल डीपी के रूप में यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है, अभी थोड़ा देर यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो इमेज है वो फुल साइज में यहाँ पर आपके डीपी के रूप में सेट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम पर किसी भी इमेज को फुल साइज में सेट कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल का जो बेल आइकन उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए।